अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्याजे का वकूफी नशोनुमा का नज़रिया। जीन प्याजे जो है वो एक फेमस एपिस्टेमोलॉजिस्ट था, ठीक है, और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जीनी नशोनुमा के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट बयान किया। और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी कि जो जीनी नशोनुमा है, ये वक्त के साथ साथ जो है वो इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। जीन पियाजे के मुताबिक जब भी हमें किसी स्टिमुलस का सामना करना पड़ता है माहौल से, तो हम पैसिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि हम अपनी पुख्तगी की बिना पर, अपनी आमोजिश की बिना पर और अपने तजर्बात के बिना पर चीज़ों को एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते। जब हम चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसमें हमारे स्कीमास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास आर मेंटल फ्रेमवर्क्स दैट मॉडिफाई द इनकमिंग इवेंट सो दैट दे बिकम रिट्रीवेबल इन इंटरनल फॉर्म्स। ठीक है, दीज इंटरनल फॉर्म्स आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि जब भी हम किसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम अपने जहन में उस चीज का एक खाका बनाते हैं। ठीक है, ये जो खाका होता है हमारे जो जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है उसकी बिना पर होता है। अगर तो जो भी हमें जो भी नया एक्सपीरियंस होता है वो उसके मुताबिक हो, जैसे हमने ऑलरेडी अपने जहन में खाका बनाया हुआ है, तो हम उसको असिमिलेट कर देते हैं। ठीक है, और अगर कोई उसमें थोड़ा बहुत चेंज आए तो हम अकोमोडेट कर देते हैं। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ठीक है, जीन पियाजे के मुताबिक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसकी चार स्टेजेस हैं, सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहली जो स्टेज है उसको हम कहते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज, यानी कि हिसी हरकी दर्जा। अगर हम हिसी हरकी दर्जे की बात करें तो ये पैदाइश से लेकर 2 साल तक की उम्र तक रहता है। इसमें बच्चे जाहिर है कि सोच तो नहीं सकते उस तरीके से, यानी कि तफक्कुर की सलाहियत तो नहीं रखते हैं, बल्कि वो अपनी दुनिया के बारे में जितना भी नॉलेज है वो रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए हासिल करते हैं। ठीक है, वो अपनी साइकोमोटर जो एबिलिटी है उसको इस्तेमाल करते हैं, हरकत के जरिए जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, और इस उम्र में बच्चों में इस्तकरार अशिया का तसव्वुर जो है वो हासिल हो जाता है। ठीक है, इस्तकरार अशिया से क्या मुराद है, ऑब्जेक्ट परमिना से क्या मुराद है, कि अशिया अगर मौजूद नहीं भी हैं यानी कि नज़रों से हट जाएं तो भी वो बाकी रहती हैं। ठीक है, इसी बिना पर वो लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अपनी गुमशुदा चीज को चाहे वो कहीं पर भी पड़ी हो उसको ढूंढ लाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गेंद किसी बच्चे की गुम हो जाए, ठीक है, किसी टेबल के पीछे छुप जाए या किसी चेयर के नीचे छुप जाए, तो वो रिंगता हुआ जाएगा और वो बाल वहां से ले आएगा। अगर बच्चा ये करने के काबिल हो जाता है तो हम कहेंगे कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमिनेंस या इस्तकरार एशिया का तसव्वुर जो है वो कायम हो गया है। ठीक है जी, जो नेक्स्ट स्टेज है जीन पियाजे के मुताबिक वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि कबल अमली दर्जा। इसमें क्या होता है कि ये पैदाइश 2 से लेकर 7 साल तक की उम्र में होता है। ठीक है, इसकी एज रेंज क्या है, 2 to 7 years। इसमें बच्चे जो होते हैं वो लोगों को, जगहों को और अशिया को नाम देना सीख लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो चीजों के नाम लेना शुरू कर देते हैं, जैसे ये टेबल है, ये चेयर है, ठीक है, ये मैंगो है, ये एप्पल है। ठीक है, ये सारा काम करना वो शुरू कर देते हैं, चीजों का नाम देना शुरू कर देते हैं। फिर इसके साथ साथ सेकंड बच्चों की कैफियती नशोनुमा आगे बढ़ती है, बच्चों को किसी चीज की क्वालिटीज का पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे उनको ये पता होता है कि एप्पल जो है वो फ्रूट है। ठीक है, इसी तरीके से सब्जी भिंडी जो है वो सब्जी है। ठीक है, तो ये बच्चों को पसंद होना शुरू कर देते हैं, वो मतलब इस चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं। ठीक है, अब वो क्या होता है कि जो चीजें मौजूद नहीं होती हैं उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल उनको कहा जाए कि आप मुर्गी सामने नहीं है, लेकिन अगर आप मुर्गी की नकल उतारें तो वो नकल उतार लेंगे। इसके साथ साथ वो हिंसों को और लफ्जों को इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो जबान को इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। उनको पता होता है कि लाइट ऑन करने का क्या मतलब है और लाइट ऑफ करने का क्या मतलब है, लेकिन अभी भी बहुत सारी खामियां उनमें मौजूद रहती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं, वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने कह दिया वही सच है। ठीक है, और कोई और जो इसकी सच्चाई है वो नहीं हो सकती, क्योंकि
नेक्स्ट जो है वो है ठोस अमली दर्जा। ठोस अमली दर्जे को जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज है। इसमें बच्चे खुद मरकजियत यानी ईगो सेंट्रिज्म से निकल आते हैं और नए नए तसव्वुरात को समझना और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो चीज़ों की दर्जा बंदी करना यानी कि क्लासिफाई करना, ठीक है, डिजिट्स को इस्तेमाल करना, टेबल्स को इस्तेमाल करना, डिफरेंट पहलुओं को मद्देनजर रखना, ठीक है, अपने से मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन को भी समझने के काबिल हो जाना, ठीक है, और अपने आप को दूसरों की जगह पर रख कर भी सोचने के काबिल हो जाना और इखलाकी फैसले करने के काबिल हो जाना, ये सब कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में मुमकिन हो पाता है। इसके साथ साथ कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में कानून बकाया हजम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का तसव्वुर जो है वो बच्चा सीख लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा ग्लास है, ठीक है, लेकिन ये है कि वो कम चौड़ा है, ठीक है, और एक चौड़ा ग्लास है लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है। पानी की मकदार दोनों में इक्वल है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो वो ये कहेगा कि जो बड़ा ग्लास है, जो चौड़ा इतना नहीं है लेकिन वो हाइट में बड़ा है, तो वो कहेंगे कि उसमें पानी ज्यादा है, ठीक है, हालांकि पानी दोनों में बराबर है। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये कहने के काबिल हो जाएगा कि दोनों ग्लासों में पानी इक्वल है। इसके साथ साथ इसमें ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए और कोई चीज़ उसमें ऐड ना की जाए तो उसका वजन जो है वो बराबर रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्लास पानी लिया तो फिर उसकी एक ग्लास बर्फ बनाई तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये नहीं कि हम कहें कि जी बर्फ जो है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। इसके साथ साथ वो 9 या 10 साल की उम्र में किसी चीज़ के हकीकी वजन की पहचान जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उनको चीज़ों के वॉल्यूम की और उनकी जिसामत की समझ बूझ भी आना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। फिर जो लास्ट में है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, रस्मी अमली दर्जा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ठीक है, जीन पियाजे के मुताबिक, लेकिन बहुत ही कम बच्चे जो है वो इसको हासिल कर पाते हैं। ये 12 साल की उम्र से शुरू होता है, ठीक है, और इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने के काबिल हो जाता है, यानी कि जो मसाइल मौजूद नहीं होते हैं उनके बारे में भी समझना, ठीक है, और उनके बारे में नॉलेज हासिल करना जो है वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें कैफियती तरक्की चीज़ों के बारे में हासिल हो जाती है, ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो लेट टीन की उम्र में इसको हासिल कर पाते हैं और इसमें जो गैर मौजूदा मसाइल हैं उनके बारे में भी हम समझ बूझ रखते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है ओवरऑल जो है वो एटमोसफेयर के ऊपर, इस किस्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम नॉलेज रखते हैं ठोस अमली रस्मी अमली दर्जे में, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जीन पियाजे के मुताबिक, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये कॉन्सेप्ट है, फिर हमने कहा कि स्कीमा क्या होते हैं, फिर हमने कहा कि एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर हमने ये कहा कि जीन पियाजे के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले सेंसोरी मोटर स्टेज है जिसमें हिसी अर्की दर्जा है, तमाम जो डेवलपमेंट है वो साइकोमोटर एबिलिटीज और रिफ्लेक्स एक्शन से होती है और ये पैदाइश से लेकर 2 साल तक की उम्र में होती है। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है, ठीक है, इसमें बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं और ये 2 से 7 साल की उम्र तक होते हैं। इसमें बच्चे जो है वो लाइट को ऑन करना, ऑफ करना और चीज़ों को अलामती लिहाज से जाहिर करना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ों की कैफियती तरक्की कैफियती पहलुओं को जहन में रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर ठोस अमली दर्जा है, इसमें बच्चे जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का तसव्वुर जो है वो सीख लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ों की दर्जाबंदी करना, अंसर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन उनको समझ आने लगती है, ठीक है, बच्चे खुद को खुद मरकजियत से निकाल लेते हैं। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल है जिसमें बच्चे जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो हासिल कर लेते हैं।